नमस्कार दोस्तों, फुटवेयर शॉप किस तरीके से चला सकता है आपको, इस तरीके से एक शॉप देखिए दोस्तों, इट्स अ ब्यूटीफुल शॉप। इसमें आपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट, आपका जो बिलिंग, आपका बार कोडिंग, ए टू सेट में आपको ट्यूटोरियल दिखा देता हूं दोस्तों। इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होती है, आपका जो स्टॉक आती है, आपका जो मेन सप्लायर से आपको जो माल आती है, तो ये जो मटेरियल आपको कार्टून बॉक्स में आती है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है आपको, फॉर एग्जांपल एक ही चप्पल का डिफरेंट साइज का होती है, फॉर एग्जांपल एक्सल का भी हो, सॉरी 40 का है, 43 या 50 या 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, इस तरीके से साइज आती है। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल बार कोडिंग करना पड़ता है। तो वो कैसे करेंगे, मैं आपको वेरी सिंपल वे में दिखा देता हूँ। देखो, आपने राइनटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में देखिए दोस्तों, इसमें आपने सीधा जा सकते, देखो यानी परचेसर, और इधर कोई सप्लायर में लगा दीजिए, आपने चप्पल करके आपने सेलेक्ट कर दीजिए। देखो इसके प्राइस, फॉर एग्जांपल आपको MRP चेंज करना, जो भी करना आपने कर सकता है, और इसके साइज से समझ लीजिए 10, ओके, और इसके बाच नंबर इधर डाल देना, अदरवाइज सेम बार कोड इधर कॉपी करके नीचे रख देना। अगर डिजिट नंबर है तो आपने वो डाल दीजिए। देखिए आपको ये इसमें आपको बहुत काम भी आ जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 10 नंबर का चप्पल डाला है, ठीक है जी, 10 नंबर का ये आपने ऐड कर दिया। सेम चप्पल अभी क्या करेंगे, इसका जो बार कोड नंबर हम बदल देंगे, और ये जो सीरियल नंबर पुराना वाला मतलब बार कोड नंबर डाल दिया मैंने, एक ही बार कोड, तो ये सब लूप हो जाएगी, यही तो है। और कोई भी एक सीरियल नंबर या डिजाइन नंबर सेम आपने इसमें डाल देना, अगर सेम साइज का होते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल आपको 350 अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकता है। इसको भी आपने ऐड कर दिया। देखो एक चप्पल, दोनों चप्पल ये दोस्तों आपने देख सकता है, और एक 300 का, एक 350 का, ठीक है जी। और इसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका साइज मैंने डाला, सॉरी साइज मैंने डाला नहीं था, साइज हम डाल करके अपडेट करता हूँ। ये 9 साइज का है, ये अपडेट कर दिया, ठीक है जी, ये 9 साइज का मैंने अपडेट कर दिया। इस तरीके से आपको इसको सेव कर सकता है सक्सेसफुली, और इधर ही बार कोड जनरेट कर सकते, जनरेट बार कोड, इसको आपने देख सकता है दोस्तों। मैंने थोड़ा सा जूम कर देता हूँ उसको, और इसको देखो ये 10 साइज का हो गया। ये चप्पल दिखाई देती है आपको, देखो इधर चप्पल दिखाई दे रहे हैं, ये 10 साइज दिखाई दे रहे थे, और मैंने इसको नेक्स्ट करता हूँ तो चप्पल ही दिख रहे हैं, उसको 350 चेंज हो गए, 9 साइज का दिख रहा है। ये भी आपने बार कोड प्रिंट कर सकता है बड़ी आसान तरीके से, यानी मल्टीपल आ गया तो भी आपने बड़ी आसानी से चला सकता है। और ये देखिए मैं आपको बार कोड प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए और प्रिंट कर दीजिए। ये देखिए आपको इस तरीके से बार कोड प्रिंट होके आ चुका है, आपको एक 9 साइज का, ये 10 साइज का, दोनों चप्पल ही है, ठीक है, नाम सेम, एवरीथिंग सेम, और ये 300 रुपीज़ के, 350 रुपीज़ का सेम प्राइस भी आपने लगाना चाहते हो वो भी कर सकते। ये सारे प्रोडक्ट्स यानी बार कोड आप अपने प्रोडक्ट्स में बड़ी आसानी से चिपका सकता है, और अपना शेल्फ में आराम से लगा सकता है, यानी आपका जो शेल्फ में सब कुछ यानी प्रॉपरली ब्यूटीफुल तरीके से उसमें अरेंज कर सकता है। नेक्स्ट स्टेज क्या होती है आपका, सेल। सेल करने के लिए कोई भी कस्टमर आ गया, उनका उसका जो साइज सेलेक्ट कर दिया, उनका जो यानी साइज इनकी नेक्स्ट साइज का पूछता है, सच काइंड ऑफ थिंग्स। ये साइज अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक कस्टमर आकर के आपसे दूसरा एक साइज पूछा, तो आपने किस तरीके से उसको साइज चेक कर सकते हैं, उसमें आप सीधा जा सकते हैं रेंटेक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में जो सेल पैनल होती है। यहाँ देखिए आपको साइज के हिसाब से चेक करने के लिए ऑप्शन है, और इसको जो यानी बाच नंबर के हिसाब से चेक करने के लिए ऑप्शन है। हमने बाच नंबर डाल करके एक प्रोडक्ट को लूप किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाच नंबर डाल करके 1008 है ना, 1008 करके मैंने जैसे टाइप किया उधर तुरंत आ गया। ये जो चप्पल जो है ना, ये एक ही चप्पल है, डिज़ाइन है, और 1008 करके जो यानी नंबर डालकर मैंने उसको लूपिंग किया था, और उसका कौन कौन सा साइज अवेलेबल है, 9 साइज भी अवेलेबल है, 10 साइज भी अवेलेबल है। और इनकेस एक कस्टमर आपके पास आया, कुछ प्रोडक्ट्स लेके आया, उनको परचेज करना होती है, तो ये सेल कैसे करोगे, तो आपने सीधा जा सकता है रेंडर POS बिलिंग सॉफ्टवेयर का सेल पैनल में। आप सीधा सीधा बार कोड से स्कैन करके भी कर सकते हैं दोस्तों, आप कोई भी प्रोडक्ट इस तरीके से उठा कर उसको स्कैन करिए दोस्तों। ये कुछ आइटम्स उन्होंने स्कैन कर दिया हुआ है, ऐड कर दिया हुआ है, हमने इसको बिल बना दे रहा दोस्तों, वेरी ईजीएस्ट वे में आपने बिलिंग कर सकता है। और इसको देखिए, इसमें 2-3 आइटम्स का हमने बिल बना दिया उसका, देखिए वेरी ईजीएस्ट वे में आपने बना सकता है, और यू सेव्ड अमाउंट करके वो भी लिखी आती है यहाँ, देखिए आपको 120 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आपको वेरी ईजीएस्ट वे में कस्टमर्स
से कैश ले सकता है, पेमेंट ले सकता है, आपने बिल दे करके पेमेंट ले सकता है। अगर इनकेस ये ही कस्टमर, उन्होंने 3 आइटम लिया हुआ है, उसमें से 1 आइटम तुरंत का तुरंत कैंसिल करना है, तो वो कैसे कर सकता है? ये आपने ये सब कुछ क्लोज कर दिया, फिर मैं जब भी मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर आपको दोबारा वो कस्टमर बोलते हैं इसको कैंसिल करिए, की को आपको 2 आइटम चाहिए, तो आपने सीधा जा सकता है दोस्तों सेल पैनल में जा सकता है, ये देखिए, और आपने उधर देखो गेट डेटा जाइए, आपने देखो इधर गेट डेटा बोल के दिखाई देती है, गेट डेटा आप इसको क्लिक करिए दोस्तों, वो जो डेटा आपने देखी है, तो 3 आइटम आपको दिखाई देती है ना। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो वुडलैंड ये वाला आइटम उसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए, तो आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता है, और सबसे पहले ये वाला सेलेक्ट करके इसको माइनस कीजिए, और ये जो है ना आपको चाहिए तो डिलीट करने के लिए ऑप्शन है ये वाला एक आइटम, ये जैसे डिलीट करेगा ना ये स्टॉक ऑटोमेटिकली इन्वेंटरी में जाके ऐड हो जाएंगे। फिर इसको क्या करेंगे, ये जो ऐड बटन क्लिक करिए यहाँ से, ये देखिए, और दोबारा आपने अपडेट बटन क्लिक करिए दोस्तों, देखिए अपडेट सक्सेसफुली अपडेट और प्रिंट भी दे सकता है। अभी उसी बिल इनवॉइस नंबर में हमने यानी चेंज करके दिया हुआ, देखिए उसी इनवॉइस नंबर में, यानी सेम सेल होंगे, ये आपको दिखा देता हूँ, ये जो इनवॉइस नंबर आपको दिखाई देती है, ये जो अमाउंट चेंज हो गया ना जी, और ये जो इनवॉइस नंबर देखिए आपको 0004 है एक्चुअली, है ना, और पहले वाला जो इनवॉइस नंबर जो 4 लिया था उसको भी इनवॉइस नंबर सेम है, क्योंकि हमने एडिटिंग किया था, ये देखिए आपको ये एक आइटम मैंने ये वुडलैंड बोल के जो आइटम हमने कट करके दोबारा एडिट करके मिल दे दिया, बाकी सब कुछ सेम सिटी से इसमें। तो इस तरीके से भी करने के लिए सारे समाधान है दोस्तों रेनडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। और आपको जो इसमें एक ब्यूटीफुल रिपोर्ट किया दोस्तों, इसमें आपको कैटेगरी वाइज देखो फुटवेयर के कैटेगरी में कितना आपको सेल हुआ था, देखो फुटवेयर, और उसके एक्सेसरीज कितना सेल हुआ था, जैसे बेल्ट वगैरह होती है, जैसे सॉक्स होती है, ये सब कुछ एक्सेसरीज में आपने डाल सकते हैं, उसको परसेंटेज वाइज आपको दिखाई देती है, और कितना नंबर कैटेगरी वाइज कितना नंबर सेल किया हुआ है, ये सब कुछ इधर दिखाई देती है आपको, है ना, और टोटल समरी भी आपको मिल जाती है एक दिन में, और समरी रिपोर्ट चाहिए तो आपको ये वाला रिपोर्ट देख सकता है, यानी टोटल यानी सेल कितना हुआ है, और उधार मैनेजमेंट है, और इसके अलावा इसके अंदर ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारे व्हाट्सएप का भी फीचर्स है, जैसे आपका नया प्रोडक्ट्स आपको यानी कस्टमर को पहुंचाना है, तो ये सारे फैसिलिटीज है दोस्तों इसके अंदर, यानी व्हाट्सएप का ऑटोमेटिक व्हाट्सएप जाने वाला API इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ है, यानी आपका न्यू लॉन्चिंग जो भी प्रोडक्ट होती है आपको सारे कस्टमर को एक ही साथ भेजने के लिए सारे समाधान इसी सॉफ्टवेयर के अंदर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको बड़ी आसानी से अपना फुटवेयर शॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, यानी फुटवेयर शॉप चलाने के लिए एक बेस्ट बिलिंग सॉफ्टवेयर दोस्तों रेनडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर। आप कॉल करिए दोस्तों 8078311945 और 8606093110। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।